नाज़रीन, मेरा नाम है फराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल OMG इंजीनियर। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोलर लाइट फिटिंग करवाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और सोलर लाइट फिटिंग करवाने से पहले जो है वो कौन कौन से काम है जो आपको करना पड़ेंगे, और वो कौन कौन से काम है जो सोलर इंस्टॉलर जो है वो आपको करके दे के जाएंगे। सोलर लाइट फिटिंग जो है वो 3 इजी स्टेप्स में जो है वो आप अपने घर या कमर्शियल साइट्स के ऊपर जो है करवा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सोलर लाइट फिटिंग करवाने के लिए जो है वो ज़रूरी होगी, वो आपका सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन है कि आपके पास 5 या 5 से ज़ायद किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो आपके घर या कमर्शियल साइट के ऊपर जो है वो इंस्टॉल्ड हो। उस सोलर सिस्टम के साथ जो है वो आपके तमाम तर सेफ्टी मैयर्स जो है वो भी इंस्टॉल हो, जैसा कि लाइटनिंग अरेस्टर होता है, AC DC अर्थ होते हैं, सेफ्टी ब्रेकर्स होते हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो आपकी सोलर कंपनी जो है वो आपको इंस्टॉल करके देगी, तो आप जो है वो इन चीज़ों को लेके फिक्रमंद ना हो। तो नाज़रीन, सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो होगी कि आपके पास सोलर सिस्टम 5 या 5 से ज़्यादा किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है इंस्टॉल होगी, तो 5 से कम सोलर सिस्टम के ऊपर जो है वो नेट फिटिंग जो है वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। स्टेप नंबर 2, जब आप सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवा लेते हैं, सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बाद जो पहला स्टेप जो है वो आपको करना होता है वो ये होता है कि आप अपना सेंक्शन लोड जो है वो उसको बढ़ाने के लिए वापडा के अंदर एक एप्लीकेशन जो है वो डालते हैं। अगर आप जो है वो अपना सेंक्शन लोड जो है वो नहीं जानते कि आपका सेंक्शन लोड जो है वो कितना है, तो आप अपना बिजली का बिल उठा के बिजली के बिल के अंदर सेंक्शन लोड के खाने के अंदर जाके जो है अपना सेक्शन लोड मालूम कर सकते हैं। नेट फिटिंग के लिए जो मिनिमम सेक्शन लोड की रिक्वायरमेंट है वो है 5 से ज़्यादा जितने भी किलोवाट जो है वो आप अप्रूव करवाएंगे, वो डिपेंड करेंगे कि आपके पास कितना बड़ा सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल है। जितना बड़ा सोलर सिस्टम होगा उतना ज़्यादा सेक्शन लोड जो है आपको अप्रूव करने के लिए वापडा के अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और सेंक्शन लोड जो है अप्रूव करवाने की जो वापडा की फ़ीस है वो तकरीबन जो है वो 10 से 12 हज़ार के करीब जो है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक है। मज़ीद आप जो है वो वापडा ऑफिस में जाके जो है इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि आपको सेंक्शन लोड के लिए कितनी पेमेंट जो है वो वापडा को देनी पड़ेगी। सेंक्शन लोड अप्रूव करवाने के बाद जब वो सेंक्शन लोड जो है वो आपके बिल के ऊपर जो है प्रिंट होकर आ जाएगा, तो उसके बाद जो है वो नेट फिटिंग का असल प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, जो कि आपके जिम्मे है कि आप वापडा के अंदर जहाँ पर आपका एक्सियन बैठता है उस ऑफिस के अंदर जाके अपनी नेट फिटिंग की या ग्रीन मीटर लगवाने की जो है एप्लीकेशन दें। उस एप्लीकेशन को देने से पहले आपको वो एप्लीकेशन जो है वो आप खुद से तैयार नहीं कर सकते, इसलिए आपको रब्ता करना पड़ेगा AEDB सर्टिफाइड सोलर इंस्टॉलर से। रब्ता करने के लिए जो है वो आप AEDB की जो है वो वेबसाइट जो है वो विज़िट कर सकते हैं। उस वेबसाइट के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल देता हूँ, ताकि आप इजीली जो है उसको एक्सेस करके उन AEDB इंस्टॉलर्स से जो है वो रब्ता कर सकें और देख सकें कि आपके करीबी जो है वो कौन सा AEDB सोलर सर्टिफाइड जो है वो इंस्टॉलर जो है वो मौजूद है। उसे आप अपनी वो नेट मीटरिंग की जो है एप्लीकेशन बनाएंगे, उस नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन को आम फहम अल्फाज में जो है वो फाइल कहते हैं। उस फाइल के अंदर आपके सोलर सिस्टम की जो है वो तमाम तरह डिटेल्स, आपके सोलर पैनल के बैंड, उसकी कितने उसकी वाटेज है, और आपके सोलर इन्वर्टर जो है वो किस कंपनी का है, वो कितने किलोवाट का है, इसके अलावा आपके सिस्टम के अंदर जो जो चीज़ें भी इंस्टॉल हुई हैं उन तमाम तरह की जो डिटेल है वो उस फाइल के अंदर जो है वो लगा के वो सोलर इंस्टॉलर जो है वो आपको एक फ़ाइल तैयार करके दे देगा। उस फाइल को आप अपना के ऑफिस में जाके एज ए नेट फिटिंग कनेक्शन के तौर पर जो है वो जमा करवा देंगे। यहाँ तक था आपका काम जो कि आपने सोलर नेट फिटिंग के लिए करना था। इसके बाद जो है वो आपका काम ख़त्म हो जाता है और वापडा एम्प्लॉयज़ का काम जो शुरू हो जाता है। इसके बाद जो आप कर सकते हैं वो सिर्फ वेट है कि आपके जो वापडा एम्प्लॉयज़ हैं वो कब आपके सोलर सेटअप का विज़िट करते हैं और आपके सोलर सेटअप को अप्रूव करके आपको एक ग्रीन मीटर का जो है वो कनेक्शन जो है वो मुहैया करते हैं। तो नाज़रीन, ये वो 3 इजी स्टेप्स थे जिसके अंदर जो है वो आपको नेट फिटिंग करवाने के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 कि आपके यहाँ सोलर सिस्टम 5 या 5 किलोवाट से ज़्यादा होना चाहिए। नंबर 2 कि आपका सेंक्शन लोड जो है वो 5 या 5 से जो है वो ज़्यादा आपके सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो अप्रूव हुआ होना चाहिए, आपके बिल के ऊपर वो प्रिंट हो। और नंबर 3 जो है वो आपकी सोलर नेट मीटरिंग की जो है वो फ़ाइल AEDB सर्टिफाइड जो इंस्टॉलर्स हैं उनके हाथ से बनी हुई हो, ताकि वो फाइल जो है वो आप वापडा ऑफिस में जाके एज ए नेट मीटरिंग एप्लीकेशन के तौर पर सबमिट करवा सके। नाज़रीन, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है वो आप इजीली अपनी नेट मीटरिंग जो है वो वापडा से जो है करवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई नेट मीटरिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको फिर भी जो है वो सोलर सर्टिफाइड जो
AEDB इंस्टॉलर्स हैं उनसे रब्ता करने में कोई मुश्किल हो रही है, तो आप वो नेट बिटिंग की फ़ाइल बनवाने के लिए जो है मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। उस नेट बिटिंग की फ़ाइल के अलावा अगर आप सोलर सोलर ग्रीन मीटर भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता करके वो सोलर ग्रीन मीटर जो है परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मुझे जो है वो मोटिवेशन मिल सके इस तरह की मज़ीद वीडियो जो आप तक पहुँचाने की।